एक संस्था बना ली, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और उसके अधिपति, उसके प्रेसिडेंट बने 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। जैसे ही कोई बालक ब्रजमंडल में जन्म लेता है, तो जैसे बालक जन्म लेता है तो रिश्तेदार नातेदार आते हैं, उसके बाद फिर आशीष देने वाली एक प्रजाति के लोग भी आते हैं, सब घरों में आते हैं, और जब सब चले जाते हैं तब बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल आता है, और वो मंडल आकर के साथ में गौरज लेकर के आते हैं ठाकुर जी, गौ के खुर की रज, और उस रज से उस बालक का तिलक कर देते हैं। तिलक का कर रहे हैं, बोले 3 साल और इंतजार है, फिर ये हमारी मंडली में जे भी आ जाएगा, जे भी हमारी तरह चोर बनेगा। उसका जन्म लेते ही उसका रजिस्ट्रेशन कर जाते हैं ठाकुर जी। बड़ी अद्भुत लीला है ब्रज की। आहा, ठाकुर जी दूसरे इनके घरन में जाके चोरी करने लगे। ऐसा उधम ऐसा उत्पात पूरे गोकुल में महाराज नाग में दम है गयो। सब गोपी परेशान है गई, सास नजर डांट रही हैं, पति डांट रहे हैं, अरे कंस काउदना हमारे यहां सैनिक भेज के मरवा देगो, हमारे यहां से इतने दिन से मक्खन नहीं गए हो। गोपियां सब चिंतित भी होती हैं, लेकिन सबको अच्छा भी लगता है कन्हैया आके चोरी करते हैं। तभी उन गोपियों में एक गोपी थी, उसका नाम था प्रभावती। प्रभावती गोपी एक दिन सब गोपियों से बैठ करके चर्चा, सब गोपियां कह रही थी मेरे घर की तो ऐसे कर गो, मेरे यहाँ तो ऐसी मटकी फोड़ गयो, मेरे यहाँ ऐसा माखन चुरा गयो। प्रभावती व्यंग में हंसने लगी, हंस करके बोली, आज तक मेरे यहाँ दृष्टि भी नहीं डाली उस कन्हैया ने, अरे तेरो घर कैसे बच गयो। बोले, अरे कन्हैया को अपने प्राण प्यारे होंगे तो मेरे घर के आसपास भी नहीं आवेगो, जाने ना है मेरा नाम प्रभावती है। अब ये बात गोपी कह रही थी सब सखियों से, इतने में ही वहीं एक बालक था, वो ठाकुर जी का मित्र था, वो ठाकुर जी के पास दौड़ो दौड़ो गए, वो लाला एक गोपी है प्रभावती, वाने यूं कही है, लाला को अपने प्राण प्यारे होंगे तो आवेगो मेरे यहां चोरी करवे, मेरे यहां आई ना सके, प्राण प्यारे हैं यही मारे ना आवे। ठाकुर जी बोले, हमको चुनौती दे रही है। बोले, हम बे लाला तू को चुनौती दे रही है। बोले, अगलो धावो यही के घर मारनो है। सबसे पहले तो ठाकुर जी ने प्रभावती के देवर को अपना सखा बनाया। देवर कितना बड़ा, वो भी छोटा सा ही था, ठाकुर जी ने उसको अपना सखा बनाया। सखा बना करके उसको बेला फुसला करके बढ़िया, उसको बढ़िया मक्खन वक्खन खवा के अपने पक्ष में कर लिया। ठाकुर जी बोले, ए सुन, तेरी भाभी प्रभावती एक दिन चुनौती दे रही कि कन्हैया मेरे यहाँ चोरी करके दिखाए। प्रभावती का देवर बोलो, लाला बता का करनो। बोले, जा देना तेरी भाभी बढ़िया वारो मक्खन निकारे, बस तू संकेत कर दियो, और जब वो जमुना जल भरवे जावे, घर में कोई नहीं हो, वही समय हमारो आक्रमण होगो। ठीक है, प्रभावती ने एक दिन बढ़िया मक्खन निकारो, और महाराज मक्खन निकार करके छींके पर टांगो, और वो बालक ने देख लिया, दौड़ करके ठाकुर जी के पास गए, बोले आज भाभी ने मक्खन निकारो, आज ही चलो लाला। बोले, हाँ आज चलेंगे। प्रभावती यमुना जल भरने के लिए गई, ठाकुर जी उसके यहां प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके महाराज चार चार के ऊपर, तीन तीन के ऊपर, दो दो के सबसे ऊपर ठाकुर जी, और ठाकुर जी लेकर के बढ़िया मक्खन खान लगे, मक्खन दूसरे इनको पवान लगे, कि मरकान भोक्षण विभजति सचिन नात्रिभांडम भिनत्ति। स्वयं पाते हैं, ग्वाल बालों को पवाते हैं, और जब सब पा लेते हैं तो फिर मरकान भूक्षण संग में बंदर और चलते हैं, उनको भी पवाते हैं। लेकिन प्रभावती के यहां इतना मक्खन था, इतना मक्खन था, ठाकुर जी का भी पेट भर गया, ग्वाल वालों का भी भर गया, और सब बंदरों का भी पेट भर गया, लेकिन मक्खन अभी पूरा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। ग्वाल बाल बोले, लाला मक्खन तो अभी बहुत सारो बच गो। ठाकुर जी बोले, ये प्रभावती हमको बड़ी चुनौती दे रही ना, याकुन एक मजा तो चका जाए। सो कहा कियो, ठाकुर जी ने एक हंडी लई, एक 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 लठ लियो, और वासे वह हंडी को फोड़ दियो, जितने मक्खन हो सब नीचे गिर गयो, और वह मक्खन को चौका लगा गए, पोंछा कर गए पूरे घर में, एक एक कोने पे जाकर के मक्खन रह नहीं जाए कहीं भी,
और पूरे में बढ़िया चौका लगा करके, और ठाकुर जी अपने ग्वाल बालक के संग अंधेरे में छुप के खड़े है गए। बोले देखियो अब मजो आवेगो, प्रभावती आवेगी। प्रभावती आई, सिर पर दो दो मटकियां, बड़ी अचक अचक करके चल रही थी, संभल के चल रही थी। जैसे ही माने द्वार खोलो, और द्वार खोलते ही अपना पाम भीतर धरो, इतने में ही भोपाल शताब्दी की तरह ऐसी रिपटी महाराज, ऐसी रिपटी सर में लगी, कमर में लगी, हाथ पाम बाकी सब रे कह गए। और गिरी सो गिरी, यमुना जल मिल गयो मक्खन में, तो और चीकनो है, अब वो उठ ही नहीं पा रही है। जैसे उठे फिर गिरे, जैसे उठे फिर गिरे। और ठाकुर जी ताली बजा बजा के हंसे, सब ग्वाला के लाला आज तो बड़े मजे आए, आज तो बड़े मजे आए। अरे भाभी कहा कह रही, कन्हैया को अपने प्राण प्यारे या हमारे ना आवे। अब तो को तेरे प्राण प्यारे होंगे ना, तो कभी हमको चुनौती नहीं देगी। और ठाकुर जी भाग गए। प्रभावती महाराज जैसे तैसे रिपट रिपट के बाहर आई, और जाके सीधे यशोदा मैया के पास पहुंच गई, और जाके बोलने लगी, बोले मैया अपने लाला संभाल ले, नहीं तो काउदना हाथ दिखा दूंगी आपको मैं, ऐसा उधम मचावे, देख मेरी कोहनी टूट गई, कमर टूट गई, ऐसा उधम मचा के गयो। यशोदा मैया बोली, तुम गोपीन पे कछु काम ना है, 24 घंटा मेरे लाला के पीछे पड़ी रहो, काउदना रंगे हाथ पकड़े तो आइयो, नहीं तो कभी मुख मत दिखाइयो अपनो। प्रभावती बड़ी चिंता में है, बोले ठाकुर जी को रंगे हाथ कैसे पकड़ूं। इतने में याने विचार कियो कि मेरो जो देवर है वो लाला के संग बहुत ज्यादा रहवे, तो यार देवर को पहले अपने पक्ष में करो। ये देवर कभी ठाकुर जी के पक्ष में जा रहो, कभी प्रभावती के पक्ष में। प्रभावती ने एक दिन वाकू दिखाते भय मक्खन निकारो, आज तो धोरी गैया को मक्खन है, इतना मधुर मक्खन है, और या से तो आज मैं शाम को बढ़िया रोटी बनाऊंगी, घी बना करके सबको पवाऊंगी, अब बढ़िया मक्खन निकारो। देवर ने देख लिया और जा करके सीधे पहुंचो लाला के पास, बोले लाला भाभी ने आज धोरी गैया को मक्खन बनाया। ग्वाल बाल सब बोले लाला वहीं चल, बात ना बड़े मजे आए वहां पे, आज फिर चल रहे प्रभावती के यहाँ। ठाकुर जी बोले चलो। अब प्रभावती ऐसा दिखा करके गई कि वो जमुना जल भरने चली गई है। ठाकुर जी ने देख लिया प्रभावती जमुना जल भरवे गई है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी वाके घर की ओर भागे, प्रभावती दौड़ करके पीछे के द्वार से गई और खिड़की में होके भीतर घर में आ गई, और चुपचाप खड़ी हो गई अंधेरे में, हाथ में बड़ा डंडा लेकर के। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने आकर के जैसी महाराज 4 3 2 1 ऊपर चढ़े, चोरी करनो प्रारंभ कियो। ठाकुर जी जब पूर्ण रूपेण व्यस्त हो गए चोरी में, तब प्रभावती अपना डंडा लेकर के निकली, दारी के हो तुम्हें बताऊं। और जैसी प्रभावती आई महाराज, नीचे वारे सबसे पहले भागे, और नीचे वारे भागे तो ऊपर वारे सबरे गिर गए, ठाकुर जी लटक गए ऊपर। अब बाकी के सब तो वहां से भाज गए, ठाकुर जी रह गए। अब नीचे प्रभावती खड़ी है, आ जा लाला तो बताऊं मैं, प्राण प्यारे देख 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 प्रभावती तू सही ना कर रही है, तू जाने ना है, मैं जय जय हूं। बोले तेरी जय जय तो मैं निकारूंगी, नीचे आ पहले तू। जैसे तैसे करके ठाकुर जी नीचे उतरे। प्रभावती बोले देख तुम तो को मुझ पे दया ना आवे, मैं कितनो सीधो साधो भोरो सो प्यारो सो, देख मैं तू वचन दू आज के बाद नहीं आऊंगा तेरे घर, तू अब कछु मत करे, तू मुझको मारे मत। बोले ना ना मारूंगी ना लाला, इतनो कोमल सो मेरो लाला, वाकू कैसे मार सकूं मैं। ठाकुर जी बोले हाँ जी तो मैं वो मारी हूं मत। बोले मारूंगी ना तो को पकड़ के यशोदा को दे के आऊंगी आज मैं, वो बतावेगी तुए। बोले या तो बढ़िया तो तू मार ले मो, लेकिन यशोदा मैया के पास मत ले जा, ऐसा मत करे। बोले ना आज तो तू यशोदा ही बतावेगी तुए। और ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके महाराज प्रभावती पूरे गोकुल में हल्ला करती भाई जा रही है, और घूंघट करके, घूंघट पकड़ रखो एक हाथ से, दूसरे हाथ से ठाकुर जी पकड़ रखे, और सबरे गोकुल में हल्ला। देख लो रे सबरे गोकुलवासियों, जे नंद जी को लाला, यशोदा मैया को छोरा, ये घर घर जाके चोरी करे, यशोदा मैया कह रही रंगे हाथ पकड़ो तो बताइयो, आज पकड़ लियो या को ठिकाने लगाऊंगी मैं। ठाकुर जी बोले जे तो भैया बड़ी निंदा है रही हमारी। इतने में ही ठाकुर जी बोले ए प्रभावती, कहा बात है?
बोले देखते हैं ना, इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ रखो, मेरे मेरा हाथ नीलो पड़ गयो, रक्त पूरा रुक गए हो, तू इतनी जोर से मत पकड़े, तू एक काम कर, मेरो जे हाथ छोड़ दे, दूसरा हाथ पकड़ ले। प्रभु तो बोले नहीं, तू भाग जाएगा, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं नहीं भागूंगा, तू मेरो एक हाथ छोड़, दूसरा पकड़ ले। प्रभावती चलती जा रही है, और चलते चलते माने 3.5 वर्ष के छोटे से ठाकुर जी, चलते चलते माने जैसे मन बनायो कि हाथ दूसरा लूं, ठाकुर जी ने पीछे चल रहे ग्वाल बालन में प्रभावती के देवर को इशारा किया, यहां पे आ। वो ठाकुर जी की उम्र कोई है, ठाकुर जी ने वा को हाथ पकड़ लिया। प्रभावती अब देख, तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ जल्दी कर। प्रभावती चलते चलते बोली ला दूसरा हाथ दे। दूसरे हाथ के चक्कर में ठाकुर जी ने वा के देवर को हाथ पकड़ा दिया, और पकड़ा करके ठाकुर जी गली मोहल्ला कुचेन में कूदते भय सीधे नंद भवन पहुंच गए, और हाथ पांव धोके सीधे यशोदा मैया की गोद में। मैया, इस सबरी गोपी मेरे पीछे काई को पड़ी रहे? अरे मेरो लाला बड़ो मलूक है, हमारे पीछे पड़ी रहे। मैया रोज कोई गोपी आ जाए, मुकु तो लगे आज भी कोई गोपी आवेगी तो उसे शिकायत करवे। मैया बोली आन दे दारी के मैं बताऊंगी। हाँ मैया, तू तो तुम मुकु अपना दूध पे बांधे। और ठाकुर जी तो इतने लाड़ प्यार में आ गए, मैया गोद में बैठ के दूध पीने लगे। इतने में ही प्रभावती आई, देख यशोदा मैया तू कह रही कि अपने लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाइयो, आज देख तेरा लाला पकड़ के लाई हूं मैं। ठाकुर जी बोले देख ले मैया, मैं तो कह रहा हूं ना कोई गोपी आ रही होगी, आ गई। मैया तू एक काम कर दे, बोले कहा मैं तू और बाबा हम तीनों कहीं और ही चले जाएं, ये गोपी हमको जीन ना दे रही है, इनको यूं लगे कि तेरो लाला इतना सुंदर काईकू है, ये चिड़के मारे आ जाए रोज। मैया बोली लाला तू पीछे खड़ो रहे यार, गोपी है तो मैं देख के आऊं। मैया नीचे गई, का बात है क्यों चिल्ला रही है घूंघट में, देख तेरो लाला आज रंगे हाथ पकड़ो। मैंने तो याकू कछु नहीं कही है, लेकिन तेरे हवाले छोड़ के जा रही हूं मैया, यार सबक सिखाइयो आज। मैया बोली कौन है? बोले तेरो लाला। बोले देख तो सही कौन है। प्रभावती ने घूंघट उठा के देखो तो वही के देवर को हाथ। प्रभावती बंदर तू कहां से आया, भाज गयो। अब तो यशोदा मैया ने खूब सुनाई, बोले नहीं नहीं मैया मैंने तुम्हारे लाला ही पकड़ो। बोले तू झूठ बोले, मेरो लाला तो अभी दूध पी रहो मेरी गोदी में बैठ के। कन्हैया, इतने में ठाकुर जी आए भी तो। हाँ मैया, कहा कर रहो तू? मैया मैं तो तेरी गोद में बैठो दूध पी रहो। मैया ये सबरी गोपी मेरे पीछे पड़ी रहे, मैं कहा बताऊं, इन लोगों की तो ऐसी आदत है गई है, और ये प्रभावती तो सबसे ज्यादा। मैया ने खूब डांटी। प्रभावती बोले ये हुआ कैसे? प्रभावती बोले अच्छा मैया क्षमा कर दो मैं जाऊं। प्रभावती चली गई। ठाकुर जी बोले मैया मैं 2 मिनट में आऊं, अभी नहीं सखांत में ले आऊं। जैसे ही प्रभावती ने दूर पहुंची, सो ठाकुर जी आए आगे से, और प्रभावती के आगे आगे खड़े है गए। कहो जी कैसी रही आज? प्रभावती बोली तेने ही कियो कैसे? बोले मैंने कैसे कियो वो मत पूछे, लेकिन मैं तू को चुनौती देवे आया हूं। आज तेने मेरो हाथ पकड़ो तो मैंने अपनो हाथ देवर में बदल दियो, कल को अगर तेने मुए पकड़ो तो तेरो हाथ मेरो हाथ खसम में बदल जाएगा, देवर से तेरे पति को हाथ आ जाएगा हाथ में, तू जाने ना नंद जी को ला लाऊं मैं। प्रभावती इतनी लज्जा की हो गई कि फिर वो कितने दिन तक बाहर नहीं आई अपने कक्ष से, भवन से। वर्णन आता है ठाकुर जी एक दिन उसके यहां पहुंचे, और पहुंच करके उसकी गोद में बैठ करके खूब स्नेह किया, और स्नेह करते तब भी नहीं मानी, खूब नाराज हो गई ठाकुर जी से, मुंह फेर करके बैठ गई। ठाकुर जी बोले एक बार मेरी ओर देख ले। प्रभावती बोली नहीं देखूंगी। बोले बस एक बार देख ले, फिर जीवन भर मत देखियो। जैसी प्रभावती ने ठाकुर जी की ओर देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला वृंदावन में चल रही है, ऐसी अनेक लीलाएं हैं व्रज की, उनको ठाकुर जी संपादित कर रहे हैं। एक दिन मैया ने ठाकुर जी को ऊखल से बांध दिया, ऊखल से बांध करके मैया चली गई। ठाकुर जी ने ऊखल में बंधे भय ही वृक्षन के बीच से निकले, स्पर्श करती दोनों वृक्ष टूट गए। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हो गए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, ठाकुर जी ने दोनों को क्षमा किया। और ये बात जान करके नंद बाबा
उन्होंने मन बनाया कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। और नंद बाबा के छोटे भैया ने एक दूसरे वन का नाम बताया जिसका नाम है वृंदावन। और ठाकुर जी, नंद बाबा और यशोदा मैया सब ने वृंदावन जाने को मन बनायो। तो महाराज सब गोकुलवासी बोले हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी वहीं रहेंगे जहाँ लाला रेगो हमारो। और सब गोकुलवासी ठाकुर जी के संग वृंदावन चले गए। आहा।